प्रौद्योगिकी युग में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर में बदलते हुए आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए शैक्षणिक सत्र में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन एडमिशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र घर बैठे ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने छात्रों के किसी भी प्रवेश संबंधी प्रश्नों को हल करने के लिए अपनी तरह का पहला शैक्षणिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र भी लॉन्च किया है। साथ ही उच्चतर शिक्षा विभाग का नया वेब पोर्टल, 158 सरकारी कॉलेज की वेबसाइट और राज्य में शोध को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा तैयार जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस नामक ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं का भी शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश या राज्य का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नागरिक कितने शिक्षित हैं। शिक्षा हर देश का हर क्षेत्र में विकास करने में अहम भूमिका निभाती है। इसीलिए हरियाणा में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य का प्रत्येक युवा शिक्षित और संस्कारित हो, ताकि वह अपने देश और राज्य को विकास के पथ पर आगे ले जाने में योगदान दे सके। आज के शिक्षा विभाग के दृष्टि से कुछ प्रोजेक्ट का जो लॉन्च किया गया है, उद्घाटन किया गया, ऐसे अवसर पर उपस्थित सभी शिक्षाविद एवं अन्य सज्जनों, ठीक कहा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कि किसी भी व्यक्ति उसका जो संस्कार है, उसका जो श्रेणी नापी जाती है, उसकी शिक्षा से नापी जाती है। कोई भी देश हो, प्रदेश हो, उसका विकास वहां के एक अच्छे नागरिक के ऊपर निर्भर करता है। नागरिक जितना अच्छा होगा, जितना निर्मित होगा, जितना उच्च श्रेणी का होगा, उतना ही वह देश और प्रदेश अपना नाम आगे कर पाएगा। हमको हरियाणा के नाते से एक बात सामने रखनी है कि हमारे हरियाणा प्रदेश का हर बालक, हर युवा वो अच्छा शिक्षित बने, संस्कारित बने, गुणकारी बने, ताकि अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सके। इसी दृष्टि से हमने शिक्षा में बहुत सी चीजों को आगे करने का काम किया है, चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, जो अभी 1000 स्कूलों की बात कही है, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूलों की बात कही है, और चाहे फिर सेकेंडरी एजुकेशन हो या उच्च शिक्षा हो, सभी पर हमको ध्यान देना होगा। उच्च शिक्षा में खासतौर पर विशेषज्ञ तैयार करने की भी अपनी एक कला हमको ध्यान में रहनी चाहिए, चाहे वो ज्ञान विज्ञान की बात हो, गणित की शिक्षा हो, समाज के अध्ययन के समाज शास्त्र की बातों का अध्ययन हो। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। यह ऑनलाइन पोर्टल NIC टीम एवं विभाग की IT टीम द्वारा बनाया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल में सिर्फ अपना रोल नंबर ही डालना होगा। रोल नंबर तथा अन्य जरूरी जानकारी भरते ही विद्यार्थियों के 12वीं में प्राप्त किए गए अंक पोर्टल में भर दिए जाएंगे। रिजर्व्ड कैटेगरी के विद्यार्थियों को इस वर्ष ऑनलाइन पोर्टल में सर्टिफिकेट नंबर ही डालना होगा। सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी, जिससे कि वेरिफिकेशन प्रक्रिया में लगने वाला समय बचेगा। इस वर्ष विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप चैटबोर्ड का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे विद्यार्थी एडमिशन, स्कॉलरशिप एवं विभाग की अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्राप्त कर सकेंगे। एडमिशन प्रक्रिया में व्हाट्सएप चैटबोट का प्रयोग भारत में पहली बार हरियाणा में किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए विभाग द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी इस हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करके फॉर्म भरने में आ रही किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। दृष्टिहीन, बधिर एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा एक सहायता नंबर भी चलाया जा रहा है, जिसमें मिस कॉल देकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। दिव्यांगजन व दृष्टिहीन विद्यार्थियों के फॉर्म विभाग द्वारा छात्रों की सहायता से चलाए जा रहे कॉल सेंटर से भरे जाएंगे। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष किसी भी विद्यार्थी से किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस या प्रोस्पेक्टस फीस नहीं ली जाएगी। इस वर्ष विद्यार्थी UPI के माध्यम से घर बैठे ही एडमिशन फीस भर सकेंगे, जिसके लिए उनसे बैंक द्वारा कोई भी अन्य चार्ज नहीं लिया जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।